अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। व्यूअर्स मौसम बड़ा प्यारा है, धूप तो नहीं निकली, ठंडा मौसम है और एक बाबा जी खड़े थे तो मैंने उन्हें बुलाया, साथ ही खड़े थे, मैंने उन्हें कहा कि जी आप इधर आ जाएं, तो उनसे लेते हैं सब्ज़ी की रेडी लगाई हुई है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो दुकानदार सब्ज़ी लगाए खड़े होते हैं आप उनसे भी सब्ज़ी लेते हो। और ये चाचा आ गए हैं, ये देखें इन्होंने सब्ज़ी लगाई हुई है, इनसे भी आप सब्ज़ी ले सकते हो। ये सब्ज़ी वही सब्ज़ी है जो दुकानदार वालों ने रखी होती है। आप इनकी उम्र देखें, इन्होंने इतनी उम्र में सब्ज़ी की रेडी लगाई हुई है और जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो फ्रेश ही है। आप इनसे लिया करें, ऐसे बंदों से लिया करें, ना कि दुकानदारों से। दुकानदार वाले तो लूट भी लेते हैं, रियायत भी नहीं करते। आप हम कहते हैं कि जी चाचा जी को उम्र को देख के ना कि जी हमें रियायत भी कर दो, ये कर दो, लूटने के चक्करों में लगे पड़े रहते हैं। तो ऐसे बुज़ुर्गों से आपने सब्ज़ी लेनी है, जहाँ भी मिलें सब्ज़ी फ्रेश ही होती है, वो भी मंडी से लेके आते हैं, हम भी जो दुकानदार हैं वो भी मंडी से, ये भी मंडी से लेके आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्हीं से सब्ज़ी लिया करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं चाचा ने क्या क्या सब्ज़ी लगाई है और हम क्या ले रहे हैं। क्या क्या लगाया हुआ है सब्ज़ी में? ये मेथी, मेथी का क्या रेट है? 40 रुपये। और ये गोभी, गोभी 20 रुपये। मटर, मटर 20 रुपये। ये 30 रुपये किलो। ये 40 रुपये। ये 40 रुपये। अच्छा, ये खीरे जो है ना चाचा ने 40 रुपये लगाए हुए हैं। बाज़ार मार्केट में आप चले जाएं आपको 50-60 रुपये किलो के हिसाब से देंगे। इन्होंने इनका रेट भी देख लें, आप बाज़ार का रेट देख लें और यहाँ का देख लें। ये भी 20 रुपये। ये 20 रुपये किलो, ये बाज़ार में 30 या 40 रुपये किलो मिल रही है, ये 50-60 रुपये किलो दे रहे हैं। पालक भी है, मूली भी है और ये शलजम भी है। पालक 15 रुपये किलो है और बाज़ार में 20 रुपये किलो दे रहे हैं। आप ये देखें, ये बुज़ुर्ग की उम्र देखें चाचा, आपकी कितनी उम्र होगी? 84 साल। कितनी? 84 साल। माशाल्लाह 84 साल है और 84 साल की उम्र में चाचा ने सब्ज़ी की रेडी लगाई हुई है। आपको चाहिए कि आप ऐसे ही बंदों से सब्ज़ी लिया करें ताकि उनकी मदद भी हो जाए और वो अपने बच्चों को अपना हलाल रिस्क हलाल खिला सकें। तो चाचा ये एक हमने सलाद के लिए मूली लेनी है, इसको तोलें आप। सना भी जाए मोटरसाइकिल 6 किलो साइड तक करा नहीं, वैसे तोले तो सही, कितने के बनेंगे? अगर कारगनी को कितना वजन बनेगा? ये तकरीबन 3 पाव है ना, अलग आधा किलो 30 ग्राम। अच्छा चलो माशाल्लाह। अब वैसे अब ये बनती कितने की थी? 20 रुपये किलो बेचते हैं आप, माशाल्लाह। चाचा कह रहे हैं कि आप सिर्फ 10 रुपये की दे दें। तो कहने का मकसद यह है कि व्यूअर्स आपने ऐसे ही लोगों से लेने हैं और ताकि वो अपने बच्चों का रिस्क ये किलो ले रहे हैं। 1 किलो खीरा भी दे दें चाचा, खुद तोल लें। 84 साल की उम्र में चाचा सब्ज़ी बेच रहे हैं और इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं कि ये देखें धूप कहीं से भी नहीं नज़र आ रही, नहीं निकली धूप, और 12 बजे का टाइम है। तो व्यूअर्स ये देखें चाचा की मेहनत देखें, 84 साल इनकी उम्र है। और मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि आप ऐसे बुज़ुर्गों से जो रेडी पे सब्ज़ी या कोई और चीज़ बेच रहे होते हैं, आप ऐसे बंदों से सब्ज़ी लिया करें ताकि उनकी मदद भी हो जाए और इनका काम भी हो जाए और जल्द से जल्द ये सेल करके अपने घरों को चले जाए, अपने बच्चों की तरफ चले जाए। ये भी फ्रेश चीज़ें बेच रहे हैं, दुकानदार वाले भी फ्रेश बेच रहे हैं, लेकिन दुकानदार वाले हमें लूटते हैं। और आप इसकी उम्र, चाचे की उम्र है 84 साल, अब मैं चाचा को कहूँ कि चाचा मुझे रियायत कर दें, क्या फ़ायदा है रियायत करना, जितने का रेट है चाचा 20 रुपये किलो अब ये मूली दे रहा है, आप 30 रुपये या 40 रुपये आपको मार्केट से मिलेगी। तो कोशिश किया करें ऐसे बुज़ुर्गों से, और ऐसे रेड़े वाले बच्चे भी लगाए होते हैं उनसे लिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना। यूट्यूब चैनल बावलपुर लेजेंड को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।